हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको एनसीईआरटी सिलेबस की बुक से है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। देखिए, निर्माण कार्य यानी कि कोई हमारा, ऐसे मान लीजिए कि कोई हमारा घर बन रहा, घर मकान, तो जो उसका ठेका दिया किसी ठेकेदार को, तो उसमें यदि वो ठेकेदार उस कार्य को करने में विलम्ब का मतलब कुछ समय लगा देता है, यानी हमने उसे 30 दिन का समय दे दिया कि आपको 30 दिन में ये कार्य करना है। यदि वह उस मकान को बनाने के लिए 30 दिन से ज़्यादा टाइम लेगा तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा ठेकेदार को। तो ठीक है, जुर्माना लगाने का प्रावधान मतलब कि प्रावधान का मतलब नियम नियम इस तरह से है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, यानी अगर उसे ठेकेदार को हमने 30 दिन का टाइम दे दिया कि 30 दिन में तुझे इस मकान को बनाकर देना है, तो अगर वो उस मकान को 31 दिन में बनाता है तो उसके मतलब पहला एक दिन बढ़ गया, तो उस 31वें दिन के लिए उसे 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो इसी मकान को 32 दिनों में बनाता है तो उसे 250 रुपये देने पड़ेंगे, यानी एक दिन लेट होने के, पहले वाले दिन लेट होने के लिए 200 रुपये, दूसरे वाले दिन लेट होने के लिए 250 रुपये, इसी तरह से तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, यानी कि हर दिन 50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। और अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक होगा, यानी कि हर दिन 50 रुपये का जुर्माना बढ़ता चला जाएगा। और इसमें आगे देखिए, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलम्ब कर देता है, यानी वह ठेकेदार इस कार्य को 30 दिन बनाने में लेट कर देता है, यानी हमने उसे 30 दिन का बनाने का टाइम दिया था शुरू में और वो 30 दिन की बजाय उस कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो उस 30 दिन का जुर्माना कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, आप हम लिख लेते हैं, पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए जुर्माना हमारा 250 रुपये है, तीसरे दिन के लिए 300, और इसी तरह से कितने दिन तक निकालना हमें, इसी तरह से हमें ये जुर्माना 30 दिन तक निकालना, यानी 30 दिनों तक। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारे पास ये पहले दिन का जुर्माना, ये दूसरे दिन का, ये तीसरे दिन का, इस तरह से हमें 30 दिनों तक, 30 दिनों का इसे सारा जुर्माना निकालना है। तो आप देखिए, ये हमारी क्या है, एक एपी बनी है, दो जिसका पहला वाला पद 200 है और दूसरा ये है, तीसरा ये है। क्योंकि देखिए, एपी क्यों है, अगर मैं 250 में से 200 घटा दूंगा तो 50 आएगा, इसी तरह से 300 में से 250 घटा देंगे तो 50 आएगा, यानी कि इसका जो अंतर है पदों के बीच में वो समान है। तो फिर ये क्या है हमारी, ये हमारी एपी है। देखिए, इसका प्रथम पद कितना है 200, डी इसका कितना है, यानी 250 माइनस 200, तो डी इसका कितना आ जाएगा 50। ठीक है, और इसमें पदों की संख्या कितनी है 30, एन इज इक्वल टू 30। तो अब इसका देखिए, हमें योगफल निकालना है। ठीक है, क्योंकि सभी दिनों का हमें क्या, इन्हें जोड़ करके इसका योगफल निकालना है, तो योगफल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए, योगफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजकल टू एन वाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन कीजिए कितने हैं हमारे, 30 दिन है, तो एस 30 इजकल टू एन की जगह हम कितना रखेंगे, 30 अपॉन टू, टू इंटू ए, दो गुणा ए, ए की हमारे कितना 200, 200 की दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन, एन यानी कि 30, 30 में से गया 29, इंटू डी हमारा सार्वांतर कितना है 50 है। इसे सोल्व कर लेते हैं तो हमारा 30 दिन का जुर्माना आ जाएगा। देखिए, 15 दिन 30 से 30, 15 आ जाएगा, और 400 प्लस,
29 की हम 50 में गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा 1450 आ जाएगा। 15 × 400 प्लस 1450 तो ये हमारा 1850 आ जाएगा। और जब 15 की गुणा हम इसमें 1850 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27750। S30 का मतलब क्या होता है कि 30 पदों का योगफल, यहाँ पद की जगह में हमारे पास क्या है 30 दिन है, तो ये 30 दिन का योगफल या 30 दिन का जुर्माना हमारे पास कितना आ गया 27750 रुपये। तो उस ठेकेदार को 30 दिन कार्य लेट करने की वजह से उसे 27750 रुपये का जुर्माना देना होगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।